acknowledge me. So, सुन लिया? So, start now. क्या दोस्तों, आप ब्रॉक लेसनर को सच्ची में पहचानते हो? ये सवाल पूछने वाला दोस्तों मैं कौन होता हूँ, मतलब कि दुनिया के कम ही बच्चे यह सवाल देंगे कि मैं ब्रॉक लेसनर का फैन नहीं हूँ। तो दोस्तों, ब्रॉक लेसनर एक ऐसा बंदा है जो WWE में आता है और गाइस तबे भी मचके जाता है। मतलब कि ब्रॉक लेसनर ही ऐसा बंदा है कि जो WWE का TRP बढ़ाता है, मतलब कि काफी खतरनाक बंदा है ब्रॉक लेसनर। और दोस्तों, जब भी ब्रॉक लेसनर रिंग में आता है तब गाइस फैन चिल्लाते हैं सुपरलेक्स डी सुपरलेक्स डी। मतलब कि दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने WWE में सब कुछ अचीव किया है। और दोस्तों, ब्रॉक लेसनर के आज इस वीडियो में हम 5 ऐसे गजब फैक्ट्स जानने वाले जो सुन के आपके फटी की फटी रह जाएगी। मतलब कि दोस्तों, आपने ये फैक्ट्स कभी सुने होंगे ना कभी देखे होंगे। तो दोस्तों, वो कौन से कड़वे 5 सच है इस वीडियो में क्लियर करने वाले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 वाला फैक्ट, हाँ दोस्तों, आपको मालूम होगा ब्रॉक लेसनर कभी भी रिंग का यूज नहीं करते, मतलब कि सॉरी रिंग ही बोल रहा हूँ, मतलब कि उस टर्न बकल का कभी ब्रॉक लेसनर यूज नहीं करते। मतलब कि पहले करते थे 2005 से, जब से ब्रॉक लेसनर 2012 से ब्रॉक लेसनर ने WWE में डेब्यू बोल रहा हूँ, मतलब कि ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न किया है 2012 से, तभी दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने एक बार भी टर्न बकल का यूज नहीं किया। और दोस्तों, किया था मतलब कि 2022 के एलिमिनेशन चेंबर में ब्रॉक लेसनर ने टर्न बकल का नहीं बल्कि उस चेंबर पॉट का दोस्तों उपयोग करके ऑस्टिन थ्योरी को गाइस FI दिया। और दोस्तों, जैसे ही ब्रॉक लेसनर नीचे उतरे तो दोस्तों ब्रॉक लेसनर के पैर कांपने लगे। देन आप सोच ही सकते हो कि ब्रॉक लेसनर जब भी गाइस मतलब कि ऊंचाई की रेसलिंग करते हैं ना, तभी वो गाइस डर जाते हैं। और दोस्तों, यही कारण हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर टर्न बकल का कभी भी उपयोग नहीं कर सकते। और दोस्तों, ब्रॉक लेसनर का हैवी वेट पे ज्यादा है, इसलिए दोस्तों ब्रॉक लेसनर कभी टर्न बकल का उपयोग नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है इस ब्रॉक लेसनर के नंबर 1 फैक्ट के बारे में, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। फैक्ट नंबर 2, तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा, ब्रॉक लेसनर ने 2017 की रेसलमेनिया में गाइस गोल्डबर्ग को हरा के दोस्तों पहली बार WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली। और दोस्तों, तभी से ब्रॉक लेसनर ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं हारी थी, मतलब कि हारी 2018 के समर स्लैम ने ब्रॉक लेसनर ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारी। तो दोस्तों, ब्रॉक लेसनर का रिकॉर्ड था 504 दिनों का गाइस उस चैंपियनशिप को होल्ड करने का। और दोस्तों, ब्रॉक लेसनर का रिकॉर्ड 2022 में रोमन रेंस ने तोड़ दिया 504 प्लस डे गाइस, मतलब कि रोमन रेंस अभी भी करंट यूनिवर्सल चैंपियन है। और दोस्तों, ब्रॉक लेसनर का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, मतलब कि रोमन रेंस ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो दोस्तों, ये किसी फैक्ट से कम नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस फैक्ट नंबर 2 के बारे में, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। फैक्ट नंबर 3, तो दोस्तों ये फैक्ट नंबर 3 सभी बच्चों को मालूम ही होगा। तो दोस्तों, ये फैक्ट है कि 2016 से जब भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप तैयार हो चुके है, मतलब कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप आई है WWE में, तभी से दोस्तों ब्रॉक लेसनर ही एक ऐसा बंदा है जो सबसे ज्यादा यूनिवर्सल चैंपियनशिप, मतलब कि ब्रॉक लेसनर ने गाइस 3 times यूनिवर्सल चैंपियनशिप होल्ड की है, मतलब कि जीते। और दोस्तों, WWE में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने 3 times यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीते, मतलब कि बाकी सारे 1 time 2 time ऐसे यूनिवर्सल चैंपियन बन चुके हैं, पर दोस्तों ब्रॉक लेसनर ही ऐसा बंदा है जिसने 3 times यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती है। और दोस्तों, ये किसी फैक्ट से कम नहीं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है नंबर 3 वाले फैक्ट के बारे में, मुझे दोस्तों जरूर कमेंट करके बताएं। नंबर 4 वाला फैक्ट, तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा, ब्रॉक लेसनर ने अपने करियर में सारी चैंपियनशिप जीती है, मतलब कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती है, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीते। फिलहाल दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने अपने करियर में सिर्फ 3 championships नहीं जीती, जिनका नाम है गाइस यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और गाइस टैग टीम चैंपियन। ये ब्रॉक लेसनर ने 3 championships नहीं जीती। और दोस्तों, इसके वजह से ये गाइस ब्रॉक लेसनर ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं बनते। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है ब्रॉक लेसनर के इस रिकॉर्ड के बारे में, मतलब कि इस फैक्ट के बारे में, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। नंबर 5 वाला फैक्ट, तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा, रेसलमेनिया 30 का मैच, हां गाइस, वो रेसलमेनिया 30 का मैच काफी आइकॉन था, काफी खतरनाक फाड़ू आसम जितना बोल सके उसको बोलो। तो दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने उस मैच में गाइस 21 स्ट्रीट की। और दोस्तों, मैं सच्ची बताने जाऊं तो दोस्तों, मेरे भी आंखों में आंसू आए थे, मेरे छोड़ो दोस्तों, उस लेजेंड के आंखों में आंसू आए थे, यानी डेड मैन के आंखों में दोस्तों आंसू आए थे। फर्स्ट टाइम एवर दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने गाइस रेसलमेनिया, मतलब कि अंडरटेकर ने 21 रेसलमेनिया जीती थी, उस सारे का कबाड़ कर दिया ब्रॉक लेसनर ने। और दोस्तों, यही एक बंदा कर सकता है जिसका नाम है ब्रॉक लेसनर। तो दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने WWE में सार कुछ अचीव किया है, सब कुछ ब्रेक किया है, रिकॉर्ड बनाए, तोड़े। तो दोस्तों, ब्रॉक लेसनर के कौन सा रिकॉर्ड आपको अच्छा लगा, फैक्ट अच्छा लगा, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, मैं होता अभी अलविदा, मिलते हैं कल, विदा।